नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे आगरा। 2022 चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचे सलमान खुर्शीद। कांग्रेस उत्तर प्रदेश घोषणा पत्र समिति भी पहुंची आगरा। जनता से बात कर उनकी जो समस्या है उन्हें शामिल किया जाएगा घोषणा पत्र में। आगरा ताजगंज के तोरा गाँव में जनता की समस्याओं को जानने पहुँचे सलमान खुर्शीद। जनता के सुझाव और समस्या जानी, साथ में तमाम कांग्रेस नेता रहे मौजूद। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। जितनी फसल तैयार करते हैं इतनी महंगाई है फसल के लिए, बीजों के लिए बीज लाते हैं, फसल तैयार करते हैं, गाय सब चुक जाती है, किसान बिल्कुल बेकार रहे। सबसे बढ़िया टोरेंट पे कोई बोलो का आदेश है, नियम है, जो इस सरकार किसानों को 24 घंटे में से 7 घंटे 4 घंटे देती है। और जैसे वृद्धावस्था पेंशन, पेंशन हम बनवा देंगे, तुम इनके नाम के नहीं लिखते, तुम इस गांव में कैंप लगा के इनके सबके नाम लिखवा लो और एक दिन हम भी आ जाएंगे। हम सिर्फ लोगों तक पहुँच कर बताना चाह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में बात लिखी गई वो उनके उनकी जबान, उनके दिल की बात, उनके दिल की भावना जो है वो हम मैनिफेस्टो में डालना चाहते हैं। प्रियंका जी का उनके लिए तो इसलिए अब हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन सांकेतिक रूप से हम जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी दोपहर तक शाम तक बहुत सारे विभिन्न गुट आकर हमसे मिलेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर हमसे मिलेंगे, अपनी बात करेंगे और हम उसका पूरा विरोध तैयार कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के लिए। अब यहाँ आकर एक अलिन बस्ती, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र आकर देखा है और जो शिकायतें हैं, जैसे शिकायत यहाँ की जो वृद्धोविद महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हमको पेंशन 2 बार मिली फिर नहीं मिली, तो ये तो एक बहुत बहुत कष्ट की बात है कि जिनको कोई सहारा नहीं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं, उनको पेंशन